तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। कौन है ये बॉबी का प्यारा दोस्त? क्या कहा बॉबी ने अपने दोस्त के लिए? किसकी वजह से बॉबी को पहचान पाए आज के लोग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉबी देओल इन दिनों अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 के लिए चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस सीरीज में एक्टर ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग की क्षमता को साबित किया है। क्लास ऑफ 83, आश्रम और लव हॉस्टल जैसी ओटीटी पर रिलीज फिल्मों के जरिए बॉबी देओल ने अपनी दूसरी पारी में बढ़त देखी है। पिछली बातों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक अच्छी वापसी की है। बॉबी देओल ने फिल्म बरसात के बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इससे पहले वो फिल्म धर्मवीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर चुके थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने सोल्जर, बादल, बिच्छू, हमराज और अजनबी जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बॉबी देओल को काम मिलना लगभग बंद सा हो गया था। ये उनके करियर का सबसे बुरा दौर था। और फिर कैसे सलमान खान ने उनकी मदद की थी। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने अपने करियर और पसंद आदि के बारे में बड़ी बेबाकी से बात रखी। इंटरव्यू में बॉबी ने यह भी बताया कि कैसे सलमान खान की वजह से उनका करियर दोबारा पटरी पर आया था। इंटरव्यू के दौरान जब बॉबी देओल से पूछा गया कि क्या वो सलमान खान को सबसे अच्छा दोस्त कहेंगे जिन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, इस सवाल के जवाब में बॉबी ने कहा, सलमान कमाल के इंसान है, बहुत बड़े दिल के इंसान है। मैं लकी हूँ कि मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जिनके लिए इन्हें उतना प्यार है। सलमान ने मुझे रेस 3 का मौका दिया और वो मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत सी चीज़ों की शुरुआत थी। रेस 3 की वजह से मुझे हाउसफुल 3 में एक रोल मिला और इस तरह आज की पीढ़ी ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, बॉबी आखिरी बार लव हॉस्टल में दिखे थे। लव हॉस्टल में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बॉबी को फैंस के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। फैंस के साथ साथ कई हस्तियों ने भी बॉबी देओल की जमकर तारीफ की थी। इन सेलेब्स की लिस्ट में सलमान का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बॉबी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद तारीफों के पुल बांधे थे। इन सब पर बॉबी ने कहा, मुझे जिस तरह के रिस्पॉन्स मिले, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। वास्तव में अच्छा लगा, क्योंकि इन किरदारों को निभाना एक बड़ी चुनौती थी, पूरी तरह से मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था। इस तरह के किरदार लाइफ में एक बार आपके पास आते हैं, यानी इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। मैं उस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने भी कड़ी मेहनत की। बताते चलें कि अब बॉबी ने अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कब रिलीज होती है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सोल्जर 2 के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।